हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजा गाइड। वीजा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक किसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीजा, ट्रैवल, ब्लॉग, लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूरा हेल्पफुल होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो बेल का बटन उस जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन के जरिए मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं और कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपको 2 महीने में सिटीजनशिप आपको दे देगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो काफ़ी सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, जिन्होंने मुझसे पूछा, सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया, मुझे ईमेल किया कि सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज शेल्फ बना के डाल रखा ऑलरेडी सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट सिटीजनशिप चाहिए और वो बिज़नेस करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस करते हैं, और लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस करते हैं जिनको यूरोप में ट्रैवल करना रहता है, काफ़ी सारे यूरोप में, हांगकांग में या फिर कई ऐसे देश में ट्रैवल करना रहता है जहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है ये इतना पावरफुल नहीं है और वीज़ा लेने में, इमिग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं किसी और देश सिटीजनशिप ले ली जाए और उससे क्या होगा कि उनको पावरफुल पासपोर्ट मिलेगा, उसके ज़रिए वो तमाम ऐसे देश हैं यूरोप में और कई सारे ऐसे देश हैं रसिया में जहाँ पे वो जाके अपना जो बिज़नेस है उसको कर सकते हैं और उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इमिग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरीके से उसी सीरीज़ में आज मैं लेके आया हूँ वीडियो, आपको आज बताऊँगा एक खूबसूरत सा देश है जिसका नाम है वनुआतू। आज मैं आपको बताऊँगा वनुआतू का सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट आप कैसे ले सकते हो। तो इस ये 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट में सब कुछ मैं क्लियर कर दूँगा और एक एक चीज़ मैं आपको बता दूँगा वनुआतू के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एक खूबसूरत देश में जिसका नाम है वनुआतू, जिसको आप कह सकते हैं रिपब्लिक वनुआतू। एक काफ़ी खूबसूरत देश है, काफ़ी अच्छा देश है और काफ़ी छोटा देश है। तो आज हम बात करेंगे वनुआतू के बारे में। ये जो कंट्री है ये पैसिफिक ओशन में एक खूबसूरत सी कंट्री है और ये एक आइलैंड कंट्री है। इसके नॉर्थ ईस्ट में न्यू कैलेडोनिया और ईस्ट में न्यू गिनिया और आपका साउथ ईस्ट में सोलोमन आइलैंड और फिजी, वेस्ट में फिजी है। तो ये काफ़ी खूबसूरत देश है, काफ़ी अच्छा प्यारा, काफ़ी अच्छा देश है, छोटा सा देश है और ये देश बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट विला और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी एक लोकल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और काफ़ी खूबसूरत देश है, काफ़ी अच्छा देश है। और ये देश जो है बहुत ही छोटा देश है और ये सबसे पहले फ्रेंच जो था उसके ऊपर कब्जा था, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का कब्जा था, फिर यूनाइटेड नेशन ने इसको 1981 में कंट्री का दर्जा दिया। तो जो ये जो कंट्री का जो टोटल जो एरिया है वो 12,189 किलोमीटर स्क्वायर है। तो काफ़ी छोटा देश है, दुनिया में 157 कंट्री है छोटे के मैं बात करूँ तो छोटा है, काफ़ी छोटा देश है। और जो पर कैपिटा इनकम है, इनका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, करेंसीज इनकी जो है वो इंडिया से डाउन है, इंडिया का 1 रुपया यहाँ का 1.60 रुपये बराबर है, इंडिया का 100, यहाँ का 160 रुपये के बराबर है। तो फैसिफिक आइलैंड में, फैसिफिक कंट्री में अगर देखा जाए तो सबसे जो कमज़ोर करेंसी अगर मैं कहीं की बात करूँ फैसिफिक में, ऐसे काफ़ी सारे देश हैं, टोंगा है, फिजी है और सोलोमन आइलैंड है, समोआ है। तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो आपका ये वनुआतू जो है इसकी करेंसी काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ की जो सैलरी है ये भी काफ़ी कम है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी कंट्री में दिक्कत क्या है कि ये कंट्री जो है ये तमाम ऐसे देश हैं जिनसे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर आप आसानी के साथ में जा नहीं सकते क्योंकि इनका जो एयरपोर्ट है बहुत छोटा है, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ पे आपको बराबर हर जगह के लिए आपको फ़्लाइटें नहीं मिलेंगी। तो अगर आप जो कि आप वनुआतू जाओ, अगर आप वनुआतू में काम करना चाहते हो, वनुआतू का वर्क वीज़ा भी होता है, होटल इंडस्ट्री में काफ़ी सारा वनुआतू में काम है, तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप वनुआतू कैसे जाएंगे क्योंकि वनुआतू का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। और उसके लिए अगर आपको वनुआतू जाना है तो आपके पास 2 ही 3 रास्ते हैं, इंडिया से डायरेक्ट वनुआतू के लिए कोई फ़्लाइट नहीं है, या अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल में रहते हो तो भी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगा।
तो अब बात आती है वनवातु जाएं कैसे। तो वनवातु जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा फिजी, और फिजी से आपको फिजी एयरवेज की फ़्लाइट लेके आप वनवातु जा सकते हो। ये सबसे इजी प्रोसेस है अगर आप वनवातु जाना चाहते हो तो। बाकी अगर आप चाहो तो ट्रांजिट वीज़ा लेके आप न्यूजीलैंड का वनवातु जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा लेके आप वनवातु जा सकते हैं। तो वनवातु की जो एयरलाइन है एयर वनवातु, वो छोटे छोटे जो पैसिफिक में कंट्रियाँ हैं बस वहीं तक जाते हैं, जैसे कि समोआ हो गया आपका, फिजी हो गया, और आपका आपका फिजी हो गया, आपका टोंगा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो बस इनकी जो दूरी है बस यहीं तक का है। तो अब बात करते हैं कि वनवातु की सिटीजनशिप ले कैसे। तो वनवातु की सिटीजनशिप काफ़ी सारे ऐसे एजेंट हैं, वनवातु की जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे ऐसे एजेंट हैं इनको लाइसेंस दे रखा है कि आप वनवातु की सिटीजनशिप आप सेल करो। तो आप वनवातु आप चाहो तो आप जाके भी सिटीजनशिप ले सकते हो, अगर आप नहीं भी जाओगे तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं वनवातु की सिटीजनशिप में आपका कितना खर्चा आएगा और वनवातु की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वनवातु की सिटीजनशिप में आप लोगे तो उससे फ़ायदा क्या क्या है आपका। तो जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आप लोग को फ़ायदा बताता हूँ वनवातु की सिटीजनशिप का। वनवातु के सिटीजनशिप का जो प्रोसेस टाइम है वो आपका 2 मंथ है। दो मंथ में आपका वनवातु का सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा। और जो वीज़ा फ्री ट्रैवल है आपका पास, अगर आपका वनवातु का पासपोर्ट होता है वो कितना पावरफुल होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। 130 ऐसी कंट्री हैं, 130 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर आप वनवातु के पासपोर्ट पर आप जा सकते हो। सेंगेन जोन जो है वो पूरी तरीके से वीज़ा फ्री है, सेंगेन स्टेट आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यूके, सिंगापुर, हांगकॉन्ग का भी वीज़ा आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। तो ये सबसे खास चीज़ है। 130 ऐसी देश हैं जहाँ 130 ऐसे देश हैं जहाँ पर अगर आप वनवातु का पासपोर्ट रखे हो तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगा। इन्वेस्टमेंट टाइप जो है वो आपको वहाँ पर डोनेशन करना, वनवातु में जो इन्वेस्टमेंट टाइप है वहाँ पर आपको डोनेशन करना है। अब बात करते हैं कितना लागत आप लगाओगे वनवातु में, इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है। तो वनवातु में आपको $130,000 आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। $130,000 आपको वनवातु में इन्वेस्ट करना है। फैमिली डिपेंडेंट में अगर अगर देखा जाए तो आप अपने स्पाउस का, चिल्ड्रन का आप ले सकते हो और सिटीजनशिप ले सकते हो। और आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है ये 10 साल की रहती है। तो जो आपके पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है ये 10 साल रहेगा। तो वनवातु में सबसे खास चीज़ ये है कि जो पासपोर्ट भी ये देते हैं इनका 10 साल के लिए वैलिड रहता है। 10 साल तक आप वनवातु के पासपोर्ट पर आप घूम सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, और काफ़ी खूबसूरत पासपोर्ट भी वनवातु का रहता है तो आप ले सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो। थोड़ा सा जो पासपोर्ट है वनवातु का वो एक्सपेंसिव है। यहाँ की राजधानी पोर्ट विला आपको मैंने बताया, ये पॉपुलेशन यहाँ का बहुत कम है, 276,244 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो और जो अगर मैं US में करेंसी चेंज की बात करूँ तो $1 यहाँ का 109 वनवातु रुपीज़। तो अगर आप सिंगल अप्लीकेंट हो तो आपका जो $130,000 है वो 130,000 पड़ेगा आपका। और अगर आप मेन एप्लीकेंट के साथ साथ अपने स्पाउस को भी, अगर आप अपनी वाइफ को भी या अपने हस्बैंड को भी अगर आप अप्लीकेशन करना चाहते हो तो उसका 150,000 हो जाएगा। तो सिंगल एप्लीकेंट का $130,000 US, और अगर आप स्पाउस के साथ करना है आपको तो $150,000 आपको जो फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर। उसके बाद अगर आपका कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उसका भी आप साथ में एप्लीकेशन करना चाहते हो तो उसका $1,65,000 आपको खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा 165,000। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर कोई अगर आपका दो डिपेंडेंट हैं, दो बच्चे अगर आपके हैं तो $1,80,000 आपको खर्चा करना पड़ेगा अगर आप वनवातु का सिटीजनशिप लिए एप्लीकेशन करते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने कमेंट किया, अगर आपने पूछा तो मैं आपको बताऊंगा कि वनवातु के सिटीजनशिप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।